नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। मेरठ के युवाओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 10,000 मोमबत्तियों से कैंडल पेंटिंग बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। इस पेंटिंग को 20 से युवाओं ने 3 घंटे में बनाकर तैयार किया। इस पेंटिंग को बनाने में 30,000 रुपए का खर्च केवल कैंडल्स पर आया है। युवा इस कैंडल पेंटिंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराने की तैयारी में है। भीमराव अंबेडकर के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मेरठ में यह आयोजन हुआ। आयोजन डॉक्टर अंबेडकर पार्क शेरगढ़ी में किया गया। यहां युवाओं ने बाबा साहेब का 40x50 फीट का 10,000 कैंडल से विशाल चित्र बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। चित्र में बाबा साहेब का चेहरा बनाया गया। इस चेहरे को पहले जमीन पर ड्रॉ किया गया, फिर इस ड्राइंग पर युवाओं ने कैंडल सजाकर उन्हें रोशन किया। इस पूरे आयोजन की ड्रोन फोटोग्राफी भी कराई है। इस पेंटिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर युवा आर्टिस्ट ओमपाल सिंह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के गाइडेंस में तैयार किया गया। ओमपाल सिंह के साथ इस पेंटिंग को बनाने में खास तौर पर उनके साथी रिंगल कुमार, सनोज सहगल, विपिन कुमार ने सहयोग दिया। साथ ही युवाओं की पूरी टोली ने इस पेंटिंग को तैयार किया। पेंटिंग को बनाने में पूरे 3 घंटे लगे। 30,000 रुपया केवल कैंडल्स पर खर्च हुआ है। इस आयोजन में हस्तिनापुर से पूर्व विधायक योगेश वर्मा के साथ प्रोफेसर सतीश कुमार, अग्नि शरद, प्रमोद कुमार ने भी सहयोग दिया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।